हर एक काम आसान है पर आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हर एक काम आसान है पर आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं आपके लिए इस जहान से लड़ चुका हूँ और आपके लिए सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, गॉस लॉ। और इस गॉस के नियम में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले बन सकते हैं, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ वन बाय वन स्टेप से। तो गॉस के नियम से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गॉस का नियम क्लोज सरफेस पर काम करता है, क्लोज सरफेस से बंद सतहों पर काम करता है। और ये जो है E इंटू डी ए इज इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर सिग्मा क्यू जो है वो टोटल नेट चार्ज है। अगर नेट चार्ज ज़ीरो होगा तो फ्लक्स भी ज़ीरो होगा, अगर नेट चार्ज कुछ कम ज़्यादा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी कुछ आ सकती है। यहाँ पर E इंटू डी ए जो है कुछ फ्लक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे आ जाइए, फ्लक्स क्या होता है, E इंटू डी ए या A, यहाँ पर A क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, बट फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, एक सेकंड, यहाँ पर ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पर देखिए फाई जो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। यहाँ पर आपको बहुत लंबे तरीके से घुमाया जा सकता है कि जो है फ्लक्स जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर या दोनों, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि जो है फ्लक्स जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो जो ई है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो एक ही कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये इसकी हो गई यूनिट, इसकी फ्लक्स की, फ्लक्स की यूनिट इतनी हो गई। एग्जाम में यूनिट पूछी जाती है तो आपको यूनिट याद रखनी है। फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होती है, जब किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होती हैं, लिंक होने पर जितनी उनकी लाइंस रेखाओं के बीच में जितना क्या कहते हैं प्रोडक्ट होता है, ई इंटू ए का जितना प्रोडक्ट होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ओके। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स क्या होते हैं, तो किसी भी बॉडी से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये एक प्लस है, इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो ये कौन सा फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, जैसे कि एक ये हो गया, ये निगेटिव है, इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो ये कैसा फ्लक्स हो जाएगा, निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई बराबर ई इंटू ए होता है, ठीक है। ई इज इक्वल की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, थोड़े बहुत फॉर्मूले भी आपको याद कराता रहूँ जिससे आपके दिमाग में ये सब फॉर्मूले सेट हो जाए। क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया होता है एल स्क्वायर, वैसे ही फोर्स, ये होता है फोर्स क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई आर, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। वर्क कितना होता है, क्यू क्यू बाई आर, ठीक है। और यहीं पर जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके थोड़े के थोड़े सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में याद रखने हैं, और मैं आपको सारे फॉर्मूले याद भी कराता रहूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है, जिससे आपके एग्ज़ाम तक आपके सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाए। फिर आ जाइए इसमें फ्लक्स में, आपको निगेटिव पॉजिटिव फ्लक्स तो मालूम चल गया क्या होता है। अब जो निगेटिव और पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, इसमें इस फ्लक्स में जो है किसकी वैल्यू कितनी, कैसे क्या एग्जांपल्स आते हैं, कैसे क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी देख लीजिए। वैसे फ्लक्स से बस एक क्वेश्चन बन सकता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एक दूसरी यूनिट भी होती है, इज इक्वल डी वी बाई डी आर होता है, डी आर से डी आर कट जाएगा, वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कैसे हो गया, E इज इक्वल होता है डी वी बाई डी आर, ये आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, डी वी बाई डी आर होता है। तो डी वी वोल्ट हो गया, डी आर से यहाँ पर आर स्क्वायर, मतलब एक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, डी आर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, अब आ जाइए, ये हो गया आपका फ्लक्स, गॉस का नियम हो सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक सरफेस पर, एक बॉडी पर, ये मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पर प्लस क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू दिया हुआ है, नेट चार्ज कितना हो गया, हो गया ज़ीरो, नेट चार्ज हो गया ज़ीरो। अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो कितना फ्लक्स बनेगा, ज़ीरो। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आप याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाइए, किसी भी
बेलन के लिए, मतलब या किसी भी रॉड के लिए जो इन्फिनिटी लेंथ की लंबी हो, उस रॉड के लिए किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? मान लो ये रॉड हो गई, ठीक है। तो इसके ये मैंने इसको एक कवर बना दिया, गॉसियन सरफेस बन गई। इस सरफेस से यहाँ पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, इतनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, इसका जो क्वेश्चन है बाई मतलब ऐसे पूछ सकता है कि इसका बेलन का है, एक अनंत लंबाई का बेलन, अनंत लंबाई का बेलन, उसके ऊपर उसके किसी भी एक बिंदु से, मध्य बिंदु से किसी एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इस वाले बिंदु से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? dQ/dl, सॉरी Q/dl, Q/dl मतलब पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसे कहते हैं। मान लीजिए इस ये एक एल लेंथ का वायर है, इस एल लेंथ के वायर पर हमने 10 गुलाम रखा चार्ज, तो सब फैल जाएगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर फैलेगा तो हमने बोला कि 10 गुलाम हमने दिया है और 10 मीटर की लेंथ है इसकी, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके 10 टुकड़े हो जाएंगे, पर 1 मीटर टुकड़े पर 1 गुलाम का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं पर यूनिट लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में है भी नहीं, मतलब आएगा भी नहीं, तो आप इसको बस याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो वो इसका ऐसे है, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया काम का। ये सब गॉस नियम के जो अनुप्रयोग है उन्हीं के तहत होता है, ठीक है। अब एक दिया हुआ है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अचालक प्लेट के दाएं ओर या बाएं ओर, या मान लीजिए ये, मान लीजिए ये एक अचालक प्लेट है, इसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो अचालक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी σ/2 ε0 K। K यहाँ पर क्या है? परावैद्युतांक है। इसी के विपरीत, जस्ट विपरीत, यहाँ पर देखिए 1/2 आधा हो गया ना, हाफ, यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर हाफ नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि अचालक प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/2 σ/ε0 K होता है, और चालक प्लेट के लिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, लिख देता हूँ, ये है कंडक्टर, कंडक्टर के लिए ये हो गई एक कंडक्टर की प्लेट। कंडक्टर, कंडक्टर के जो मध्य में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। कंडक्टर के जो मध्य में होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब ये मान लीजिए कि अगर ये एक कंडक्टर है मेरे पास, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सतह पर कितनी होती है? सतह पर होती है इसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, इस गोले के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, यहाँ पर भी 0 रहेगी, यहाँ पर अगर इसकी रेडियस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इस वाले बिंदु को छोड़ के मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी मान लिया हमने आर है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है, ये कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टर के लिए एक मतलब प्लेट टाइप का कंडक्टर, समझ रहे हो ना, प्लेट मतलब इस टाइप की प्लेट दी है, इस प्लेट के कंडक्टर के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो अगर हम सिंपल इसका डेरिवेशन सॉल्व करना चाहें तो इस तरह हो जाएगा कि इधर का जो चार्ज हम इसको देंगे वो इसकी लेयर पे आ जाएगा, जैसे ही लेयर पे आएगा तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी वजह से E2, दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2E1। 2E1 की वजह से दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, जब सेम डिस्टेंस पे होंगे तो अचालक के लिए इतना होता है, दोनों को ऐड कर दो, ये मान लीजिए प्लस, एक ये प्लेट हो गई, दूसरी ये प्लेट हो गई। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस P से इस वाले प्लेट ने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस वाले ने बनाया E2, तो दोनों की रिएक्शन इधर की ओर होगी, तो ये हो जाएगा E1 + E2। E1 कितना हो जाएगा? σ/2 ε0 K + σ/2 ε0 K, दोनों को ऐड कर देंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रिक है, अगर ये पॉजिटिव है तो कितना होगा, निगेटिव है तो कितना होगा? निगेटिव में भी इतना ही होगा, चालक प्लेट के लिए इतना, अचालक के लिए इतना। ओके, अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए साथ में, अगर दो प्लेटें हमने ले लिया, ये मान लो एक ये पॉजिटिव है और ये एक दूसरी पॉजिटिव है, मैंने प्लस का ले लिया सारा।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस इधर जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा, दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए इस वाली प्लेट के लिए इधर फोर्स लगेगा, इसके लिए भी इधर, तो दोनों का वैल्यू जुड़ जाएगा, तो जाएगा टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये भी इधर हो जाएगा टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी, ठीक है। यही अचालक प्लेट के लिए सेम टू सेम ऐसे कर लो, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कैसे क्या होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जाती, दूसरी भी इधर आती, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता पर यहाँ पर नेगेटिव होता, ठीक है। इस तरह से छोटे मोटे से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी कुछ आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद दिला देता हूँ, जिससे आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो और थोड़े से आपके दिमाग में भी ये सब फॉर्मूले सेट होते रहें। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं आपको बता दिए, ए जो होता है यहाँ पर 4πr² होता है, फाई की वैल्यू एक बार समझ लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। फाई इज इक्वल ई इंटू ए, ये वेक्टर है, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर ई हमको निकालना है, ये हो जाएगा फ्यू नॉट ई इंटू ए, कॉस की जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। इसकी वैल्यू होती है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है अगर हम प्लेट पे लेना चाहें वैसे तो, और अगर इसका यूनिट कितना होता है, एफ बाई ई इज इक्वल होता है एफ बाई क्यू, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ऐसे करके इसे पूछते हैं, और एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।